इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भर्तियों को निरस्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने की भी स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बनाए रखने के लिए अध्यादेश की तैयारी के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां CM धामी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भर्तियों को निरस्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। CM धामी ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर करने की भी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण बनाए रखने के लिए अध्यादेश की तैयारी के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर देहरादून।